उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि उनका पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाए, और समय समय पर पुलिस की ओर से जो कदम उठाए जाते हैं उससे साफ है कि पुलिस भी सरकार जो कह रही है उसके लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि लगातार एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और ताजा एनकाउंटर मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में हुआ है। दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि पंकज यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पंकज यादव को मार गिराया गया है। मुख्तार का शूटर था यह बताया जा रहा है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना, इस मामले को मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? ये उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, अपराध और अपराधी का चुन चुन कर हिसाब होता है। यहां पर गलती की माफी नहीं सजा मिलती है, क्योंकि यहां पर योगी का राज है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का किला ढह चुका है, मुन्ना बजरंगी का भी हिसाब हो चुका है, लेकिन अब उनके गुर्गों की श्यामत आ गई है। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के एक शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, और वो है इनामी गैंगस्टर पंकज यादव। पंकज यादव की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने शार्प शूटर को घेरा, जिसके बाद पंकज यादव ने फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने कवर फायर किया तो इनामी शूटर जख्मी हो गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा में तड़के ढेर हुआ शार्प शूटर पंकज यादव कौन है वो भी जान लीजिए। पंकज यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था। मुख्तार मुन्ना बजरंगी गिरोह का शार्प शूटर शहाबुद्दीन गिरोह के लिए काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो पैसे लेकर करता था हत्या। मन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी, हत्या लूट रंगदारी समेत 36 से ज्यादा केस, गाजीपुर आजमगढ़ मऊ गोरखपुर में केस दर्ज। हिस्ट्री शीटर और शार्प शूटर के साथ एसटीएफ ने एक और बदमाश को घेरा था जो भाग निकला। वहीं पुलिस ने पंकज यादव के पास से पिस्टल रिवॉल्वर और बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस उसके साथी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होगा ओलंपिक से अयोग्य घोषित, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं वो, ओवर वेट होने की वजह से वो अब मैच नहीं खेल पाएगी। फाइनल मुकाबला उनका आज होना था, लेकिन अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएगी। 50 किलोग्राम वर्ग में वो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा, और ऐसे में देखिए विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं और अब वो मैच नहीं खेल पाएंगी, जिसका इंतजार लोगों को था। अब भारत को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। दरअसल विनेश की कैटेगरी भी इस बार बदली थी, 53 किलोग्राम में कुश्ती खेला करती थी, लेकिन इस बार वो 50 किलोग्राम में मैदान में थी और अच्छा प्रदर्शन भी किया था। सुजाता इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सुजाता, लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद जब ऐसी खबर सामने आती है, खेल प्रेमी भी निराश होते हैं और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी भी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल नजदीक थे गोल के। हार्ट ब्रेकिंग, ये दिल तोड़ने वाली खबर है, लेकिन साथ ही निराशा और नाराजगी वाली खबर भी है। जिस तरह से फाइनल मुकाबले का इंतजार आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा था कि देश की बेटी गोल्ड लेकर लौटेगी, जिस फॉर्म में नजर आ रही थी विनेश फोगाट, लेकिन अब दिल टूट गए हैं, करोड़ों दिल टूटे हैं इस खबर के बाद, और भारतीय ओलंपिक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है इस फैसले पर। और साथ ही सवाल ये भी उठते हैं, खिलाड़ी को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही जो कोच और सपोर्टिंग स्टाफ है उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जाते हैं, ओलंपिक जैसे मुकाबलों में जाते हैं। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी, ये आपको लगातार हम बता रहे हैं, और इसी बीच देखिए आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, और तय सीमा से 100 ग्राम उनका वजन जो है वो ज्यादा मिला है और अब वो फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी। देखिए लगातार 3 मैचेस उन्होंने खेले थे और उसके बाद वो फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। इस वक्त देखिए संसद की कार्यवाही चल रही है, लाइव तस्वीरें वहां से सामने। राहुल गांधी जी, Nothing has gone into the record.
योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, लेट हिम स्पीक सर, यू प्लीज टेक योर सीट, लेट हिम स्पीक, यू प्लीज टेक योर सीट स्पीकर सर, देयर हैज बीन अ ट्रेजेडी इन माइनर, आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड दैट दे आर नॉट अलाउइंग अस टू गिव अ स्टेटमेंट ऑन दिस. Speaker sir, thank you for permitting me. I have given a notice on why not speak, only on why not. Well, I'm speaking on why not. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your order? No, no, you please sit down. Don't do that. राहुल जी स्पीक, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर, ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, राहुल जी स्पीक से बात करिए मंत्री जी, आप से बात करिए, शालिन का से बात करिए, राहुल जी स्पीकर सर, थैंक यू फॉर परमिटिंग मी टू रेज दिस इशू ऑफ द ट्रेजेडी इन वायनाड. आई विजिटेड वायनाड विद माय सिस्टर सम डेज बैक एंड आई सॉ विद माय ओन आईज द डेविस्टेशन. देश में भी सामने आ रहे हैं, सांसद करण भूषण सिंह ने बयान दिया है, उनका कहना है कि विनेश का बाहर होना देश का नुकसान है. करण भूषण जो कि गोंडा से सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है. उनका कहना है कि विनेश फोगाट का बाहर होना देश के लिए नुकसान है, बड़ा नुकसान है. गोंडा से सांसद हैं करण भूषण, जो चुनाव इस बार लड़े और जीते, वो भी विनेश फोगाट को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि विनेश फोगाट अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस तरह से वो लगातार परफॉर्म कर रही थी उस पर पूरे देश को उम्मीदें लगातार उनसे बढ़ रही थी. वह तो देश का नुकसान हुआ सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है. आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने की सरकार 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे. खेल मंत्री मनसुख मांडविया, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, विनेश फोगाट पर अब सरकार भी बयान देते हुए नजर आएगी. इससे पहले आपको हम लोकसभा की कार्यवाही दिखा रहे थे, इस वक्त संसद में हंगामा भी चल रहा है, लेकिन विनेश फोगाट पर अब सरकार बयान देने वाली 3 बजे का वक्त. 3 बजे लोकसभा में खेल मंत्री बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है. वजन उनकी कैटेगरी का 50 किलोग्राम वेट में वो खेला करती थी, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी, मैच नहीं खेल पाएंगी. लेकिन अब आपको बता रहे 3 बजे लोकसभा में खेल मंत्री भी इसको लेकर के बयान देंगे.